लोकसभा चुनाव के दो चरण खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस ले लिया है, यानी वो चुनावी मैदान से बाहर चले गए हैं। इससे यहां भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मेदौला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब इंदौर में भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में अक्षय ने 4 नंबर सीट से टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने तब उन्हें टिकट नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनके साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदोला और MIC मेंबर जीतू यादव थे। अक्षय ने नाम वापस लिया और फिर मेंदोला के साथ कार्यालय के बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पर अक्षय के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय का भाजपा में स्वागत है। वो अक्षय को लेकर सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। उधर बम के अचानक नामांकन वापस लेने से कांग्रेस नेता नाराज हैं। वो उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बम के नामांकन वापस लेने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के 17 साल पुराने एक केस में पुलिस ने नामांकन वाले दिन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी थी। भाजपा ने इस आधार पर बम का नामांकन खारिज करने की मांग की थी कि अक्षय ने शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इस मामले में बम को 10 मई को कोर्ट में हाजिर होना है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अक्षय बम के निवास पर पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस को आशंका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बम के निवास पर प्रदर्शन कर सकते हैं, इस दौरान तोड़फोड़ ना हो इसलिए पुलिस तैनात की गई है। कलेक्ट्रेट आशीष सिंह के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम समेत कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म वापस लिए। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल इंदौर में 23 उम्मीदवार बचे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 3 बजे तक कई और उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं।